हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम दिखा देती हूँ आपको, 9:15 9:15 है। जस्ट अभी उठे हैं, मैं 5 मिनट पहले उठ गई हूँ। बनाऊंगी टाइम, तब बनाई है। कूलर चल रहा है, आपको पंखा चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी बीच में, बारिश बीच में, मतलब अच्छा मौसम हो जाता है। और ये देखो बच्चे, ये ऐसे बैठे हुए जैसे इनको बहुत मारा गया हो, है ना। सीधा को मैं उठा नहीं सी, आदत पै गई गंदी होने, लेट उठन की। चलो गाय चाय बनाते हैं, बर्तन थोड़े से रख दिए थे यार किचन में, हुआ नहीं था। सो अब करते हैं, बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो जाएगी, पता नहीं क्या मतलब व्यूज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट कोई बात नहीं, मिलेंगे तब भी ठीक है, नहीं मिलेंगे तब भी ठीक है। मेरे वास्ते भी जल्दी बना दे। बना देती पहले पापा को तो खिला दूँ, मैंने भी भूख लगी हुई है। मेरे को भी है, मुझे बना के दोगे? मुझे बना देंगे, सोने हो गली नहीं कोई। गाइस असली बनाने वाला वीडियो भी देखा करो इंस्टाग्राम पे, मिस्टर मिसेस वर्मा ऑफिशियल। दूसरा चैनल भी डाल देना, लाइफ ऑफ ग्लोरी। हाँ, दूसरा चैनल है लाइफ ऑफ ग्लोरी, वहाँ पे भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उसमें कॉमेडी वीडियोस ज़्यादा रहती हैं, जो कि इस टाइम पे लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ गाइस भूलना मत लाइफ ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स मेरे हस्बैंड। हाँ जी डैडी, नहीं डैडी फिर भी आनी चाहिए, मेरे हाथ दी खा लिया करोगे फिर सारे जने? डैडी तुसी खा लिया करोगे? गुन्नी तू हाथ मेरे साफ पे, एकदम की होया हाथ जेड़े होटल वो स्वाद लगती है। नमक परोठी चाह रुको खान आलू खलियां, वाह नाल बनावांगे रायता। सुखी सब्जी ना रायता वैसे अच्छा लगता है ना, ज्यादा अच्छा लगता है, पर मैंने पचता नहीं, मैंने भी खाया। चल तू ना खाई फिर, इसका खावांगे। मैंने नींबू नहीं पचता, नींबू वाले मैं बिल्कुल नहीं पीती। मैंने ये कैसे तो से बनावांगे रायता, मैंने दही बिल्कुल नहीं पचता, लस्सी मेरा फेवरेट है दही। और एक बार मैं डॉक्टर नाल पीछे लग के ना दही खाना स्टार्ट करता, वो कहते तुम खा के देखो, मेरे कहने पे खाओ। लाती डॉक्टर है पूरी लाइन, उन्होंने बोला कि खाना स्टार्ट करो, मैंने शुरू कर दिया। शुरू क्या किया यार, सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई 4 दिन बाद, मेरे घर से 3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद। बर्तन मैं मांग लिया, भोजन सिला दिया। पांडे रोज नहीं मांझता, जान के मोबाइल अगर रखे तो खा रही है, मांझ भी गई है। बात करो अपने अंदर आत्मा से, पूछो कौन बर्तन मांझता है, पूछो पूछो। आटा गुनाना है सच्ची मिट्टी, आटा सच्ची गुनना पड़ेगा। हां ना या क्या रही, मैंने बोला बिना सब को होना ओना के करवा ला, हम तो थोड़ा काम करना, पोछा लगा देना, काम खत्म। पाइन में बड़ा बर्तन है, तू ना बनाने पलिया, पलियां वॉश करनिया ने। हां मैं करा, नहीं मैं करती। खड़ा हो, अजय 11 बजे ने, 11:15 का टाइम है, 11:15 अजय साढ़े नाना तो ना रह गए। किचन देखो क्लीन है, और 2 गिलास अभी पानी पीता से उन्हें ता करके पे, बाकी सारा किचन क्लीन है एकदम। वो पापा आ गए छीके सिटन, तड़े को बैठ नहीं हुंदा ना उठे, क्यों रखी गई जाग लेने आप और भाई और सुनाओ ठीक है।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਸ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏ, ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। खराब हो गई थी पापा की, जो है शुगर लेवल है वो 69 रह गया था, मतलब इतना कम रह गया था। खाना खा रहे थे, खाते खाते कह रहे एक दिन चक्कर आ गए, चक्कर हट ही नहीं रहे थे। अभी एक दो दिन से कह रहे थोड़ा ठीक हूँ, नहीं तो लगातार चक्कर आ रहे थे। बोल रहे थे मैं आँख खोलता था तो ऐसे लग रहा था जैसे घूम रही है ये, जो क्या धरती घूम रही है। बहुत बुरे हाल थे, पता नहीं भगवान ने सुन ली हमारी। और पापा ठीक है, लेकिन अभी भी वीकनेस रहती है। पापा का बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग, बहुत ध्यान, रात को जागते हैं ताकि पापा जब भी उठ जाए तो उनको थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे दें हम लोग। और उनके पॉकेट में हमेशा हम टॉफ़ी वगैरह रखते हैं, उनको चीनी घोल के दे देते हैं, ज़्यादा नहीं वैसे, वो और बढ़ जाए कहीं, तो ध्यान रखते हैं बस, है ना। और ना पापा की आंखें चेक कराई, पापा की आंखों में ना मोतिया उतरा हुआ है दोनों आंखों में, तो सर्जरी बंद है लॉकडाउन की वजह से। वो बोल रहे थे 20 दिन के बाद, वो बोल रहे थे 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ऑपरेशन करवा लेना अपना। तो पापा को अभी के लिए उन्होंने स्पेक्स बना के दे दिए, जो कि 5 नंबर की है, 5 नंबर उनको, इसीलिए कुछ दिखता नहीं था सामने में से, तो ऐसे हुआ। तो इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही, और इसलिए बनाने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि। चलो गाइस मैं पी लेती हूँ पहले चाय, मिलूंगी आपको थोड़ी देर में, बाय। नहीं करता तो खराब है, तीन किलो दूध सी, 2 किलो सी, 5 किलो नहीं, टाइम पर उबाला नहीं दे हूं, 3 किलो क्यों, क्या 2 किलो मेरे नाल लेके आए हूं, है करा तो खराब हो की करा, मेरी थोड़ी गलती नहीं है, टाइम पर उबाला दे, पता गर्मी हैगी है, पर आज ज्यादा गर्मी सी, की करा ज्यादा गर्मी दी लगी, हम अपने आप लेके आई, पता लगूगा। अरे कोई पनीर कटन लगी है, की करा होना, इतना थोड़ी है, कितना कराया यार, कितना होना, निकल आऊंगा 300-400 ग्राम, 300-400 ग्राम तो होएगा ही नहीं, 1/2 किलो निकलेगा मेरे लाल, नहीं 1/2 किलो निकलेगा, कल आप कुर्ती खावांगे तो नहीं, याद है तुझे एक बार अपना और मिल रही हूँ आपको इस टाइम पे। आज पता है क्या हुआ, आज रात दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी, इतनी लगभग 3-4 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आज तो हद थी, सबसे ज्यादा गर्मी थी आज के दिन। और ना फिर ना शाम को अंधेरी चल पड़ी, पहले बारिश हुई, बिजली चमकी, और उसके बाद मैंने ना, हम ना बाहर बैठ गए थोड़ी देर के लिए पापा और मैं, और देखा बारिश है लेकिन हवा का नामो निशान नहीं है। मैं ना पापा को बोल ही रही थी कि एक पत्ता भी नहीं दिख रहा उड़ रहा हुआ, एक पत्ता भी नहीं दिख रहा, अरे रब्बा। उसके बाद इतना बड़ा तूफान आया ना, मैं आपको क्या बताऊँ, हमारा जो जंगला है ना उसको हम ना ढक देते हैं शेड से, लाइट पड़ रही, हमारा ना जंगला है, हमने ढक देते हैं उसको शेड से, मेहंदी मैंने लगाई है, मेरा 3-4 दिन बहुत मन कर रहा था, 3-4 दिन पहले की लगी हुई है, दोनों हाथों पे लगी, यहाँ पे गुड़िया ने लगाई थी आगे और पीछे दोनों पे। तो मैं बता रही थी तो शेड पे ना मैंने ईंटें रखी हुई थी और शेड उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया शेड उड़ गया, और फिर ना बता इतनी अंधेरी तूफान था ना, मैं डर गई, मैं इतना डर गई, मैं इतना डर गई, बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। और ना मतलब ना इनको पता था कि ये डर गई होगी तो ये काम पे गए थे, और इतने तूफान में आए मेरे लिए कि बहुत डर रही होगी तो मैं जाऊँ, ठीक है पापा है ये हैं लेकिन मुझे फिर भी बहुत डर लगता है, अगर ये पास हो ना तो मुझे इतना डर नहीं लगता। तो फिर ना मतलब ये इतने तूफान में आए, फिर कह रहे हैं कि क्यों डर रही है, तूफान ही आया ना, इससे इसमें क्या आया, अभी चला जाएगा। तो मैंने पता क्या, पुराना टोटका क्या मैंने क्या किया, मुझे ना मतलब शुरू से पता है कि जब तूफान आता है ना और हटने का नामो निशान नहीं लेता, अंधेरी आती है, तो पता है क्या करो, जो अपने बेड़ा नहीं होता, मतलब जो बीच का साइड होता है अपने घर का बीच का साइड, वहाँ पे ना पानी गिरा दो, एक लोटा भर के या एक गिलास भर के पानी का गिरा दो। तो मैंने ना वो गिरा दिया, मैंने कहा अब देखते तूफान बंद होता है कि नहीं। वैसे तो मैंने हर बार जब भी ट्राई किया हुआ ना तो हर बार मतलब चला जाता है, तो इस बार भी ऐसे हुआ, जैसे ही मैंने वो जल डाला और प्रेयर की कि चला जाए तूफान, तो साथ ही वो चला गया, उड़ गया। गुड़िया कह रही मम्मा ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा बस है कुछ, देखते हैं होता है कि
क्योंकि पहले पहले करते थे जब मैं मतलब कुआरे टाइम में करती थी ऐसे, शादी के बाद मैंने कभी ऐसा किया नहीं, आज पहली बार ऐसा कुछ किया और हुआ भी, कंप्लीट हुआ भी। और अभी मैं मतलब मुझे फीवर था और मैं काफ़ी डरी हुई थी ना जब ये आया है, और फिर मैंने क्या किया, मैं जब भी डरती हूँ बहुत ज़्यादा तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये लिखना स्टार्ट करती हूँ। आपको पहले भी बताया था ना, ये मतलब 500 मान लेती हूँ मैं, 500 मान अपने आप को देने होते हैं। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे कितनी कॉपी भर रखी है, ये सारा मैंने लिखा, ये सारा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ, तीन। और चौथा है, मैं कर्म श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ, और मैं पुण्य आत्मा हूँ, और लास्ट में मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ, मैं सदा संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। तो मैंने ये 500 मान लिए अपने आप को दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये मैंने पता क्या किया, जल लेकर एक गिलास में पानी लेकर उसको अपने सामने रख दिया, और मैं बोल रही हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं सदा संतुष्ट मनी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूँ, और मैं पुण्य आत्मा हूँ। तो ये सामान मैंने लिए और अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो मैंने सोचा चलो यार वीडियो बना दी जाए। मैंने कब से क्लिप बनाई हुई है लेकिन मैंने अपलोड नहीं की थी क्योंकि उसका एंड ही नहीं करा था। तो आज मैंने फिर सोचा यार पकड़ लो कैमरा, मोबाइल पकड़ लो और कर दो वीडियो का एंड भगवान का नाम लेके। तो कोशिश करूँगी अब रोज आऊँ। आप भी सोच रहे होंगे ना वीडियो नहीं बना रही, वीडियो नहीं बना रही, क्या रीज़न है वीडियो बनाने का, पता नहीं यार किसकी नज़र लग गई है। मानो कि कुछ दिन से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, 1 मंथ या 20-25 दिन हो गए, मतलब बड़ा गंदा सा फील हो रहा था, पूछो नहीं, बहुत गंदा फील हो रहा था। अब जाके कुछ, अभी मतलब थोड़ी देर तक जाके कुछ अच्छा लगने लगा है, जब मैंने सो मान लिए हैं, अपने आप को बोला है, अपने दिमाग में अपनी बुद्धि में बिठाया है, तो अब अच्छा लग रहा। नहीं तो मैं ऐसा हो रहा था यार कि बैठ के रो, एक जगह पर बैठ के रो। तो मैं अंदर रूम में हूँ, गुड़िया मेरे पास ही है, साइड पे है मतलब। तो बस ये था मेरा वीडियो, वैसे अच्छा लगने वाला तो इसमें कुछ है नहीं, बस ये लास्ट वाली दो जो मैंने आपको 500 मान बताए हैं। अगर आपको भी कुछ अच्छा ना लगे, कई बार हो जाता ना कुछ अच्छा नहीं लगता, काफ़ी लोग इस टाइम डिप्रेशन में हैं। मैं ये नहीं कहती मैं भी हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं नहीं हूँ, मैं भी हूँ, इसलिए मैंने आज से शुरू कर दिया है सामान। तो देखते हैं, देखते क्या है, मुझे पता मैं ठीक हो जाऊँगी सामान लेने से। तो आप भी करना, बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, करके देखना आप लोग भी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल जिन्होंने नहीं किया है, और मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में।